Today we are going to study the French Revolution part 2 of class 9. अब तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में जो है क्या होता है कि लोग रिवॉल्ट कर देते हैं किंग के खिलाफ, और जो है वहां पे एक बास्टिल नाम का एक फोर्ट्रेस होता है, फोर्ट्रेस प्रिजन होता है, जेल होती है, जिसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं, और मतलब उसके बाद जो है बहुत सारे रायट होते हैं, बहुत सारे दंगे होते हैं पूरे पेरिस में और लगभग पूरे फ्रांस में होते हैं। तो इन सब के पीछे हमने कारण जानने की कोशिश की थी कि आखिर में है क्या कारण। तो एक कारण हमने जाना था कि क्या हुआ था कि राजा जो है जब लुई 16 जब किंग बना तो एक्चुअली में क्या था, वो कर्ज में दबा हुआ था और इसलिए उसने अपने कर्ज से उबरने के लिए क्या किया, जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। और भाई साहब के टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, जनता भड़क गई और जो है इतना बवाल खड़ा कर दिया। अच्छा, दूसरा भी उसका जो सबसे बड़ा कारण था, एक और जो सबसे बड़ा कारण था कि फ्रांस में एक तरीके का सिस्टम चलता था जिसे हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम या फिर फ्यूडलिज्म क्या है, आइए जानते हैं। ये भी एक फ्यूडल सिस्टम भी एक बहुत बड़ा कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। देखते हैं कि पहले फ्यूडल सिस्टम है क्या। तो फ्यूडलिज्म वॉज अ डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन मेडिवल यूरोप इन विच द नोबिलिटी हेल्ड लैंड्स फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज व्हाइल द पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू लिव ऑन their lords and give him honor, labor and a share of their produce. The feudalism actually में क्या था, एक तरीके का dominant social system था। मतलब जो है एक society का अगर कोई खास तरीके का group जो है क्या करता है, बाकी के groups के ऊपर dominate करता है, मतलब dominate करता है या फिर बाकी के groups के ऊपर राज करता है, तो उसे क्या कहेंगे, खास तरीके का dominant social group कहेंगे। और ये इस तरीके की प्रथा पूरे जो है medieval Europe में काफी famous थी, इन विच द नोबिलिटी हेल्ड लैंड्स फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। जिनमें क्या होता था, जो नोबिलिटी यानी जो राजा के मंत्री वगैरह हुआ करते थे, यानी जो राजा के उच्च पदाधिकारी उच्च अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनको जमीन मिलती थी। और किस लिए जमीन मिलती थी, ताकि वो जो राजा के लिए मिलिट्री सर्विसेज को मेंटेन कर सके। व्हाइल द पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू लिव ऑन देयर लॉर्ड्स एंड गिव हिम ऑनर। और जो बेचारे किसानों की यानी पीजेंट्स और जो बेचारे आम जनता की जो स्थिति थी वो क्या थी, उनको जो है इन लोगों का सम्मान करना था और इन लोगों को क्या करता था करनी, इन लोगों की सर्विस भी करनी थी, मतलब इन लोगों के घरों में काम करना था, यहाँ तक कि इसके साथ साथ क्या करना था, टू गिव अ शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस, यहाँ तक क्या करना है, उसका कुछ हिस्सा उन्हें क्या करना था, इन लोगों को देना था। किसको, नोबिलिटीज यानी नोबल्स को देना था। तो ये एक तरीके का क्या था, फ्यूडल सिस्टम, जिसमें क्या था कि जो सोसाइटी के कुछ ग्रुप थे उनको ऑलरेडी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, बहुत सारे जो है अधिकार मिलते थे, लेकिन बेचारे जो आम जनता थी उनको कोई अधिकार नहीं था। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हमने जो है एक चीज और देखी थी कि किस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी जो है तीन क्लास में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। तो यही वो दो लोग हैं जिनको क्या एक्चुअली में क्या था, फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। आगे देखते हैं, एक और सबसे बड़ी बात थी, 90% ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। फ्रांस की 90% जनता जो थी वो क्या थी, थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। व्हाइल द 60% ऑफ द लैंड इन फ्रांस वाज ओन्ड बाय द नोबल्स एंड चर्चेस एंड देयर रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और 90% जनता जबकि आम जनता थी, पर फिर भी 60% जो लैंड थी, 60% जो लैंड थी पूरे फ्रांस की, उसको ओन कौन करता था, नोबल और या फिर चर्चेज ओन करते थे या फिर सोसाइटी के और भी जो रिचर मेंबर हुआ करते थे उनके पास। यानी बाकी के 30% जमीन में, 30% लैंड में क्या होता था, फ्रांस की 90% जनता जो है उस पर काम करती थी, बेचारे काम करके उस पर प्रोड्यूस जो कुछ भी अपने लिए उगाते थे उसके ऊपर से टैक्स भी देते थे नोबल्स को, टैक्स भी। अच्छा, टैक्स भी एक ही टाइप का नहीं हुआ करता था, फ्रांस में टैक्स भी कई तरीके के थे। आइए देखते हैं किस तरीके के टैक्स हुआ करते थे। The members of first two states, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these were exemption from taxes. अच्छा, एक और बात थी कि ये जो feudal system जो था उसमें जो clergy और nobility के जो members हुआ करते थे, इनको जन्म से ही कुछ अधिकार भी, कुछ privileges, विशेषाधिकार भी मिलते थे। उसमें क्या हुआ करता था कि इनको टैक्स नहीं देना था, मतलब ये कितना भी कमाएं, कितना भी खाएं, मजे लें, उड़ें, लेकिन इन लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। बेचारी जो गरीब जनता जो कहना है भरी दोपहरी में धूप में जो अपने खेतों में काम करती है, वो बेचारे जो है अपना जो कुछ भी उगाए उसमें से टैक्स भी दें
ऊपर से इन लोगों के यहाँ काम भी करे, ये मतलब इस तरीके का कुछ सिस्टम हुआ करता था फ्रांस में। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और तो और उनको इसके बाद फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे, विच इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, जिसमें क्या हुआ करता था फ्यूडल ड्यूज, और वो फ्यूडल ड्यूज हुआ क्या करता था, दैट दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स एज वेल एज पीजेंट्स वर ऑब्लाइग टू ऑफर देयर सर्विसेज टू द लॉर्ड, वर्क इन देयर फील्ड, सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। सो फ्यूडल ड्यूज क्या हुआ करता था, एक खास तरीके का जो है टैक्स हुआ करता था, जो कि क्या करते थे ये लोग बेचारे जो है गरीब जनता से, आम जनता से वसूला करते थे, किसानों से वसूला करते थे। और तो और ये बेचारे किसान आम जनता की स्थिति क्या थी, इन लोगों को अपनी सर्विसेज भी इनके घर में देनी पड़ती थी, मतलब इनके घर में काम करना पड़ता था इन लोगों को, इनके खेतों में भी काम करना होता था, मतलब अपने खेत में तो काम करें ही, प्रसाद प्रसाद में जाके इनके भी खेत में काम करें, यहाँ तक कि आर्मी में भी सर्व करना होता था, आर्मी में भी सर्व करें, या फिर अगर कहीं रोड वगैरह बिल्डिंग वगैरह बन रही तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। मतलब बेचारी जनता की तो हालत फ्रांस में बहुत ही गड़बड़ थी। टीथिस, ये भी एक तरीके का, ये क्या था एक्चुअली में टैक्स था। टीथिस वॉज अ टैक्स लिविड बाई द चर्च ऑन द पीजेंट्स इन विच दे हैड टू पे 1/10 ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो हमने एक तो एक चीज देखी थी, एक तरीके का टैक्स क्या था, फ्यूडल ड्यूज, जो कि बेचारे जो है गरीब जनता को, आम जनता को किसको देना पड़ता था, नोबल्स को देना पड़ता था। और एक दूसरे तरीके का टैक्स जिसे हम टीथिस कहते हैं, वो टीथिस क्या था, एक ऐसा टैक्स था जो कि चर्च लगाती थी आम जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर। और वो क्या था, जितना कुछ भी उन लोगों ने उगाया है उसका 1/10, मतलब उसका 10वां हिस्सा, अपने प्रोड्यूस का 10वां हिस्सा उनको चर्च को देना पड़ता था। किस रूप में, टीथिस नाम के टैक्स के रूप में। अगला था एक टैक्स जो है टैली। टैली वाज अ डायरेक्ट टैक्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टू द स्टेट। ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था, मतलब जितने, और इसको सारे लोगों को पे करना था, वो सारे लोग जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था जो सबको देना था, किसको डायरेक्ट जो है किंग को ही देना पड़ता था। तो इस तरीके से ये था तीसरा टैक्स। मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फ्रांस की जनता बेचारी थी तो बहुत गरीब, बेचारे के पास, बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, पर फिर भी उनसे इतने सारे टैक्स वसूले जा रहे थे। और इसके साथ साथ और भी भाई साहब ने जो है, लुई 16 भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, और टैक्स बढ़ा दिया, तो बेचारी जनता तो भड़केगी। एज वेल एज अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर ऑल्सो लिविड ऑन द गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। यहाँ तक कि इसके साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए जाते थे, जैसे कि आज के समय में होता है ना, आप अगर एक शैम्पू का भी पैकेट खरीदो तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें भी ऑलरेडी क्या होता है, कुछ टैक्स लगा होता है। और वो एक टैक्स एक्चुअली में क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, मतलब जो है केंद्रीय उत्पाद कर भी कहते हैं, मतलब अगर भी कोई भी सामान हमारे देश में बनता है तो उस बनने के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स। तो उस तरीके का जो है टैक्स, कुछ इसी तरीके का, वो एक्चुअली में एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि जनता को लगता नहीं है कि हम टैक्स दे रहे हैं, मतलब हम जितना, हमको लगता है कि इतने का 10 रुपए का सामान है, हम 10 रुपए दे के ले आए, पर उस 10 रुपए में ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट का टैक्स जुड़ा होता है। तो उसी तरीके कुछ खास टैक्स जो हुआ करता था फ्रांस में, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भी वसूला जाता था, और जो कि किस पे लगाया जाता था, डेली कंजम्पशन की चीजों पे, जैसे कि आज हम लोग मार्केट में देख सकते हैं, एक साबुन खरीदो, शैम्पू खरीदो, कुछ भी खरीदो, हर चीज पे हमको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारे के सारे टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और वो उस तरीके के टैक्सेस नॉर्मली किस पे लगाए जाते थे, सॉल्ट पे या फिर टोबैको पे, जो कि डेली कंजम्पशन की चीजें हुआ करती थी। आगे देखते हैं, इन दिस वे द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द होल स्टेट वॉज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य को जो चलाने का खर्चा था वो बेचारे किसके ऊपर था, फ्रांस की गरीब जनता के ऊपर, फ्रांस की बेचारी जनता के ऊपर, यानी जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग, यानी जो बेचारे किसान, जो क्राफ्टमैन, ये बेचारे जो थे, इन्हीं के ऊपर पूरे फ्रांस को चलाने का खर्चा आता था, मतलब इन्हीं लोगों को पूरा खर्चा वहन करना था टैक्स के रूप में। और बाकी जो राजा के यहाँ जो क्या ना है, मंत्री वगैरह वो नोबल हुआ करते थे, या फिर जो है राजा जो चर्चेज हुआ करते थे, चर्चेज में बड़े बड़े प्रीस्ट हुआ करते थे, उन लोगों को टैक्स नहीं देना था। तो ये इस तरीके की स्थिति थी जिससे क्या हुआ, फ्रांस की जनता काफी नाराज। आगे देखते हैं, तो अब एक्चुअली में ये तो था ही, ये तो मतलब एक तरीके का कह सकते ना, ढेर सारे टैक्सेस भी एक सबसे बड़ा कारण था फ्रांस की जनता के भड़कने का, रिवोल्ट करने का। एक जो और सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब बेचारी फ्रांस की जनता क्या थी,
जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। वो कैसे कर रही थी, उसका कारण क्या था, देखते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो है 1715 से लेके 1789 तक लगभग जो है फ्रांस की जो पॉपुलेशन होती है 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है, यानी लगभग 50 लोगों की जनसंख्या, 50 लाख लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है, 5 मिलियन यानी 50 लाख पीपल। तो इस तरीके से 50 लाख लोगों के बढ़ने से क्या हुआ भाई, 50 लाख लोग अगर बढ़ गए तो खाएंगे भी, तो उनके खाने का राशन कहां से आएगा। पर फ्रांस में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। ड्यू टू दैट देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज अ स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, अभी जो कहना है फूड प्रोडक्शन था वो बहुत ही लो लेवल पे था, उतना ज्यादा था नहीं, फूड ग्रेन्स उतनी प्रोड्यूस हो नहीं रही थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, मार्केट में जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई, जो कि क्या हुआ करता था, फ्रांस की जनता का एक स्टेपल डाइट, मतलब मुख्य भोजन हुआ करता था। आगे देखते हैं, द फूड प्रोसेस फूड प्राइसेस वर सॉरी यहाँ पे प्रोसेस लिखा, एक्चुअली इसको प्राइसेस होना चाहिए था। द फूड प्राइसेस वर राइजिंग रैपिडली बट द वेजेस ऑफ वर्कर्स वर नॉट इंक्रीज्ड बाय देयर मास्टर्स। अच्छा, एक बात तो थी कि फूड प्राइसेस तो बढ़ रही थी क्योंकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है थी नहीं बहुत ज्यादा, तो फूड की प्राइसेस तो बढ़नी ही बढ़नी है। पर हुआ क्या कि फूड प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ बेचारे जो काम करते थे, जो बेचारे डेली वेज वर्कर हुआ करते थे, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, किसी नोबल के यहाँ काम करते थे, उनकी सैलरी जो है कभी नहीं बढ़ती थी, वो बेचारे उतनी ही सैलरी पे बहुत दिनों से काम करते आ रहे थे। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था कि मार्केट में भाई पता चला हमको एक बंदे को 100 रुपये महीने मिलते हैं, और फिर पता चला उसका जो है 90 का खर्चा है, मार्केट में वैल्यू क्या होगी अगले महीने या फिर अगले साल और बढ़ गई, अब उसका खर्चा 110 हो गया, लेकिन अभी बेचारे को सैलरी 100 रुपये ही मिल रही, मतलब सैलरी भी उसकी नहीं बढ़ी, तो बेचारा खर्चा कहाँ से मेंटेन करेगा। तो इस तरीके की भी स्थिति फ्रांस में थी। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन फ्रांस वाज हिट बाय ड्रॉट और हेल। अच्छा, जब कभी फ्रांस में ऐसी स्थिति होती थी, कभी जो है सूखा पड़ जाए या फिर जो है हेल यानी जो है बर्फ वगैरह अगर गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में फ्रांस में स्थिति और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती थी, और इससे क्या होता था, फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति पैदा होती थी। तो ये क्या है जानते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस है एन एक्सट्रीम कंडीशन व्हेन द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जब एक व्यक्ति की, जब किसी भी देश की जनता की जो बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड है, यानी जीवन चलाने का जो सबसे बेसिक है, जो सबसे आधारभूत चीज है, अगर वही चीज उनको ना मिलने लगे, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो फ्रांस में आए दिन ऐसी परिस्थिति देखने को मिलने लगी, सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली परिस्थिति जो क्या हुई फ्रांस में आए दिन देखने को मिलने लगी। क्यों, क्योंकि भाई फूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही थी, और जब कभी बाढ़ सूखा या फिर कुछ ऐसी कहना है पत्थर बर्फ वगैरह अगर कभी पड़ जाए, तो बेचारों की स्थिति और गड़बड़ हो जाती थी, और बेचारों के पास कुछ खाने के लिए नहीं हुआ करता था। तो ये तो था हमारा